हेलीकॉप्टर से मतदान दल को भेजने के बाद कुछ मतदान कर्मियों को सड़क मार्ग से भेजा गया है। इसी बीच दो दलों को दंडवन भेजा गया है। नक्सली हमले की आशंका के चलते मतदान कर्मियों को पहाड़ियों और जंगली रास्ते का सफर पैदल तय करना पड़ा। इस दौरान उनके साथ INS 24/7 संवाददाता इमरान खान मौजूद रहे, जिन्होंने मतदान दल की मदद की है। वहीं मतदान कर्मियों से खास बातचीत की है, देखिए क्या कुछ बातचीत हुई है उन लोगों के बीच में। बीती रात दंडवन के उप सरपंच और भाजपा नेता पंचम दास की हत्या हुई थी और हत्या की वजह को लेकर कई बातें आ रही थी और नक्सली जहां एक और आरोप लगा रहे हैं कि ये इतना बड़ा घर कैसे बना लिया और पुलिस का मुखबिरी था और इस वजह से उन्होंने घर पे पहले से पिछले दरवाजे पे हमला किया और जब वो नहीं टूटा तो फिर वो सामने आए और अंदर घुसे थे। आप ये देख सकते हैं, ये उनका घर है। यहाँ पे नक्सली आए थे, रात में 10 से 12 की संख्या में थे, वर्दी में थे और लगातार वो पीछे दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और जब नहीं टूटा तो फिर वो अंदर से घुसे और अंदर घुसने के बाद पंचम को पकड़ लिए, उसके बाद उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की और उसको फिर बाहर लेके गए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। आइए इस पूरे मामले पर हम जानते हैं, उनकी पत्नी है हमारे साथ, वो क्या बोलती है और घटना को किस प्रकार का था। क्या नाम है आपका? मंजू है सर। क्या हुआ था कल घटना में, क्या बताइए? मारपीट की सर। कितने लोग आए थे, कब आए थे? 7-8 बजे सर, 10 से 10:30 के बीच में थे। भाजपा नेता नहीं थे सर, उन लोग बोल रहे थे कि वो भाजपा का बहुत बड़ा नेता है, काम करता है, उनके लिए सीआईडी है, ऐसे करके उन लोग बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे घर को लेके भी? घर को, इतना बड़ा बड़ा घर कैसे में बनाया है, क्या काम करता है, कुछ नौकरी करता है क्या, तुम लोग बताओ, ये आसपास वाले क्यों नहीं बनाएंगे, एक आय के लिए इतना बड़ा बड़ा घर बनाया है, ये मुखबिर था, इसी करके बोल रहे थे। कल चुनाव का दिन है, आप लोग वोट डालने कल जाएंगे क्या? घटना हो गया उसके बाद नहीं जाएंगे जी। अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा नहीं लग रहा है। ये थी उनकी पत्नी, इनका कहना है कि नक्सली आए और उन पर गलत आरोप लगाया, उनके साथ मारपीट करी और उनके पति की हत्या कर दी। INS के लिए मोहम्मद इमरान खान, दंडवन, नारायणपुर। जिले के मतदान दल को आज दंडवन भेजा जा रहा है। भीषण गर्मी में दल जंगल का सफर तय कर निकल चुप पड़ा है। आइए जानते हैं कितनी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां नक्सली चुनौती है, वहीं अभी पारा भी गर्म है। आइए हम यहां के जो पीठासीन अधिकारी है उनसे जानते हैं कितनी परेशानी हो रही है। सर INS में स्वागत है आपका। कब निकले थे, क्या परेशानी हो रही थोड़ा बताइए। हम लोग फरस गाँव से 11:30 बजे करीब निकले थे, पैदल रास्ता पे से आ रहे हैं, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस के माध्यम से हमें मार्गदर्शन देते हुए हम लोग को पैडगरी रास्ता से लाया गया, पहाड़ी इलाके से हम लोग 12 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं। सर आपको बीच में ऐसा लगा कि कहीं नक्सली हमला हो जाए, मन में ऐसा कुछ क्षण आया, दहशत लग रहा था क्या? अब शुरुआती दौर पे तो लग रहा था कि हमें, अब क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ का सुनाई आया था कि दंडवन ग्राम में कोई सरपंच को नक्सलाइटों द्वारा मारा गया है क्या। नारायणपुर से सुबह निकले थे 10 बजे करीब और 11 बजे से फरस गांव से पैदल दंडवन के लिए आ रहे हैं, जहाँ हमको बहुत परेशानी हुआ, तेज गर्मी की वजह से और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तो बीहड़ जंगलों से घूमते घामते आए, एक तो कभी हम बहुत कम चलते हैं, इसलिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मतदान दल को हमें सुरक्षित लाना पोलिंग बूथ तक हमारा काम है, जो कल 16 तारीख रात्रि में यहाँ एक घटना हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम मतदान दल को रोड से होते हुए ना रोड के माध्यम से ना होते हुए पैदल पहाड़ी जंगल रास्तों से लेके सुरक्षित इनको लाना हमारा काम है, इसलिए हम इन्हें पैदल रास्ता और जंगल पहाड़ी से लेकर आए। आपको बता दें कि कल दंडवन में एक भाजपा नेता की हत्या हुई थी, इसके बाद पूरे जिला इलाके में हाई अलर्ट है। INS के लिए मोहम्मद इमरान खान, नारायण।